दरभंगा जिला के लहरसराय स्थित समाहरणालय परिसर के जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में विधि व्यवस्था संबंधी बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आगामी पर्व बकरीद और अन्य विधि व्यवस्था के संबंध को लेकर के सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ भूमि विवाद और अन्य विधि व्यवस्था संबंधी बैठक आयोजित की गई। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि बकरीद पर्व शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने के लिए विधि व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। रहता है उसको जिम्मेदारी दे दीजिएगा कि भाई ये तुम्हारे जिम्मे है, तो देखिएगा जो बहुत निष्ठा के साथ उस कार्य को संपन्न कराता है। दरभंगा जिला के बैंकर्स कॉलोनी में सड़क निर्माण होने पर मुखिया और एमएसयू के सदस्य को किया गया सम्मानित। सड़क निर्माण होने पर 15 वर्ष से जल जमाव झेल रहे लोगों के चेहरे पर खिली खुशी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संघर्ष का नतीजा अब बैंकर्स कॉलोनी में जमीन पर दिखने लगा है। जिस सड़क का निर्माण पिछले 15 सालों से नहीं हो पाया, वो एक महीना के संघर्ष में बनकर तैयार हो गया। इस बाबत राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने बताया कि बैंकर्स कॉलोनी के लोग पिछले 15 सालों से जल जमाव की समस्या झेल रहे थे। जल जमाव के कारण लोग हमेशा दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। बगल में प्ले स्कूल होने के कारण बच्चे भी हमेशा दुर्घटना के शिकार होते रहे, जिसको देखते हुए सुमित कुमार चौधरी और दिनेश कांत ठाकुर की अगुवाई में एमएसयू के साथ आगे आकर एक दिवसीय आंदोलन किया, जिसके बाद सदर बीडीओ के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया कि जून पहले सप्ताह तक सड़क का निर्माण कर लिया जाएगा। आखिरकार 5 जुलाई को सड़क ढाल दिया गया, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। हमरा आके संघर्ष करो पड़त, आवाज उठबो पड़त, सामूहिकता देखाबो पड़त। अमन जी सब बात रखला है संक्षेप में, हमर संगठन कोना एलै, की काज छै, कोन काज हम सब कह रहल छिये, सब बात रखला है। तो हम नहीं बुझै छी कि विशेष बात हम पुनः पुनरावृत्ति करी, लेकिन एक बात जरूर कहब कि ई जे मिथिला के विकास के लेल ई टोली छै, एकरा में जे युवा छै, ओकरा में वायु के तेज छै, ओ संकल्पित छै, ओ दृढ़ संकल्पित छै, ओ प्रतिज्ञ छै अपन मिथिला के सर्वांगीण विकास के लेल। ओकरा अहाँ जहाँ देखबै, अवलोकन करबै, चाहे सड़क पर हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे दिल्ली हो या पटना हो, ओ मिथिला के हक और हुकूक, एतौ के शिक्षा व्यवस्था के लेल, एहिठामक स्वास्थ्य व्यवस्था के लेल, एहिठाम रोजगार के लेल, एहिठामक सांस्कृतिक विरासत। खबर है दरभंगा से। आज ऑल इंडिया बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन जिला इकाई की बैठक रामसुंदर चौरसिया की अध्यक्षता में केंद्रीय पुस्तकालय के सभागार में की गई। बैठक का संचालन शरद कुमार सिंह ने किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग हर विषय का प्रोफेसर का नियुक्ति तो हो रहा है, लेकिन लाइब्रेरी साइंस का नहीं हो रहा। और अभी मिथिला यूनिवर्सिटी में भी है कि उसने तो पद ही खत्म कर दिया, ये गंभीर विषय उनका, उन पर यह केस हुआ है। क्या क्या सर, इसमें है कि रेगुलर जो बहाली होती थी, नियुक्ति होती थी, उस पोस्ट को लाइब्रेरियन पोस्ट को असिस्टेंट लाइब्रेरियन। विक्की टीवीएस दरभंगा के द्वारा विशेष सुविधा का लाभ उठाए, प्रत्येक वाहन के खरीद पर सुनिश्चित उपहार, कुशल इंजीनियरों के द्वारा सर्विस की उत्तम व्यवस्था ले जाएं। ग्राहकों के सुविधा हेतु हमारा पता है विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। खबर दरभंगा से। दिशा के दूसरे दिन भी बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय में अंबेडकर सभागार में बैठक की अध्यक्षता सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी सांसद अशोक यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि मखान उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपये सहायता राशि सरकार की ओर से किसानों को मिलती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मखाना उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जगहों पर स्टॉल संस्थापित करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में BSNL आकाशवाणी खादी ग्राम उद्योग की समीक्षा की गई। वो सारी जमीन के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है। बीमारी जमाबंदी से पहले हमको ढूंढना है। जमाबंदी तो तब है जब उसका रेड ड्रॉल की बात करते हैं। बीमारी के कारणों पे जो हम लोग गौर किए हैं, बहुत सारा हमारा ESO कार्यालय में जो
106 बी के तहत वहाँ पे उन्होंने सर्वसाधारण भूमि को बिना किसी कारण दर्शाए उसको उन्होंने घोषित कर दिया रही है। अभी हम लोग टीम गठित किए हैं। दरभंगा से बेहतर शिक्षा देने वाले सेवक होंगे सम्मानित। समर कैंप में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाले शिक्षा सेवकों को सम्मानित किया जाएगा। डीपीओ माध्यमिक और साक्षरता विजय चंद्र भगत ने एसआरपी विष्णु कुमार मिश्रा को निर्देश दिया है कि सभी प्रखंडों से बेहतर कार्य करने वाले केंद्र की सूची जमा कराए। प्रखंडों से आने वाले सूची का लिपिक सरफराज कैसर को बेसलाइन और इनलाइन की समीक्षा करते हुए समेकन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेहतर कार्य करने वाले सेवकों का सम्मानित करने पर मनोबल बढ़ेगा। हाँ, तो वो डिपेंड करता है किस ब्लॉक में कितना लोग फेल किए हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इस ब्लॉक से इतने लोग होंगे। हो सकते हैं एक ब्लॉक से एक लोग हो और एक ब्लॉक से 100 लोग भी हो। तो ये डिपेंड करता है किस ब्लॉक से कितना लोग फेल हैं। ठीक है, मैं प्रभारी स्थापना डीपीओ रवि कुमार। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित अपने कार्यालय जनता दरबार में पहुंचे एसएसपी अवकाश कुमार, जहां उन्होंने जनता से दर्जनी फरियाद सुनी। एसएसपी अवकाश कुमार ने बारी बारी से सभी उपस्थित जनता की फरियादें सुनी, जिसमें आपसी विवाद, जमीन बंटवारा सहित अन्य मामला शामिल था, जिसको लेकर के संबंधित थाना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। बता दें कि एसपी के दरबार में जिले भर से लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं, जिनकी समस्या का निदान थाना स्तर पर नहीं होता। नहीं, क्योंकि कम है ना, आप लोगों को प्लस 50 का टारगेट आपको दिया गया था। एक सप्ताह साल अभी के द्वारा बड़े चिंता उससे प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि वारंट इख्तियार पूर्ति की कर ही नहीं रही, अरेस्टिंग हो ही नहीं रही। खबर दरभंगा से, हवाई अड्डा के लिए ओपी के लिए प्रस्ताव हुआ पारित। अंबेडकर सभागाड़ में दिशा की बैठक हुई, जिसमें एयरपोर्ट के विकास के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में हुई बैठक में एयरपोर्ट के 24 एकड़ भूमि पर 20 अगस्त तक हस्तांतरित करने की बात कही गई। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए सरकार को सीआईएसएफ की प्रतिनियुक्ति करने की मांग की। बैठक में दरभंगा से जयनगर के लिए सड़क बनाई जानी है, जिसे अतिशीघ्र प्रारंभ करवाने का निर्देश दिया गया, ताकि हवाई अड्डा विकसित हो सके। दरभंगा हवाई अड्डा के लिए अपना पुलिस चौकी ओपी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। एयरपोर्ट पर जो भारत सरकार की सैकड़ों करोड़ की लागत से कार्य हो रही है, उसका हम लोग समीक्षा किए हैं। और वहाँ पर चाहे रनवे की बात हो, चाहे एप्रन की बात हो, चाहे नील गाय हटाने की बात हो, चाहे वहाँ पर सभी तीर्थ स्थलों से दरभंगा को एयरपोर्ट के माध्यम से जोड़ने की बात हो, सारे विषयों पर हम लोगों ने आज चर्चा की। युवराज एजेंसी, The Smart Future। मिथिलांचल का गौरव अब दरभंगा में। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए युवराज एजेंसी की एक अनोखी पहल। बिहार का पहला अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा सर्विसिंग की सुविधा। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप, मोर पावरफुल इनहेंसमेंट, माइलेज इको फ्रेंडली राइडिंग, क्योंकि यह है आपके न्यू एज एनर्जी। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाइक रिप्स, 10 रुपया में चले 80 किलोमीटर। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 36,000 रुपए से भी ज्यादा बचत। अगर आप अपनी गाड़ी में हर महीने 1,000 से 3,000 का पेट्रोल भराते हैं, तो अगर आप पेमेंट लाने एवं माल पहुंचाने में 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की सफर करते हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को स्कूल की बस के किराए का खर्च अधिक होने से बचाना चाहते हैं, तो अगर आप खुद 30 से 40 किलोमीटर की मार्केटिंग या कोई वस्तु डिलीवरी करते हैं, तो अगर आप घर की महिला एवं बुजुर्ग को हल्के गाड़ी देना चाहें या मार्केटिंग खुद करना चाहें, तो एक बार चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चला। वही भरोसा, वही विश्वास। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वादा, खर्च कम बचत ज्यादा। एम्पियर का साथ आपका विश्वास। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाला ई बाइक एम्पियर इलेक्ट्रिक। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ग्रिप्स, 10 रुपए में चले 80 किलोमीटर। युवराज एम्पियर इलेक्ट्रिक, सैद नगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9473111
8689। दूसरा नंबर 8294500443। युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर।